हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस डेली क्लास सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले इन क्लासेस में हम तीन टॉपिक प्लस टू क्लास के मैथ्स के कवर कर चुके हैं और पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है उसको हम 13 क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में हम ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टैन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, इसकी हमें वैल्यू लिखनी है। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टैन इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। तो इसके लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स है तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यही चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहां से आ जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस, इस चीज को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स अंडर रूट 3। अब टैन इनवर्स रूट 3 ये होता है पाई बाय 3 माइनस, ये आ गया पाई और यहां से हो गया प्लस कोट इनवर्स रूट 3। कोट इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई। तो पाई बाय 2 माइनस पाई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का पाई बाय 2, जो कि इस क्वेश्चन का की वैल्यू हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया है साइन, यहां पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स और ये दिया गया है इक्वल टू 1 और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहां से इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 के इक्वल। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास पाई बाय 2। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स और ये वैल्यू इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के, तो यहां से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/5। यही इसमें हमें x की वैल्यू पूछी गई थी जो कि आ जाएगी 1/5 इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि राइट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू लिखनी है tan इनवर्स 2 sin ब्रैकेट 2 cos इनवर्स रूट 3 बाय 2 की हमें वैल्यू लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है tan इनवर्स, यहां से है 2, यहां से है साइन और यहां से है 2 और यहां से है कॉस इनवर्स और यहां से है अंडर रूट 3/2, इसकी हमें वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कॉस इनवर्स रूट 3/2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, यहां से हो गया 2 साइन और यहां से 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 ये हमारे पास होता है पाई बाय 6 के इक्वल यानी 30 डिग्री के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा टैन इनवर्स, यहां से हो जाएगा 2 साइन, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा यानी यहां बच जाएगा साइन पाई बाय 3। तो टैन इनवर्स यहां से आ जाएगा 2 और टैन साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, अंडर रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मिल जाएगा टैन इनवर्स और ये हो गया रूट 3। तो टैन इनवर्स अंडर रूट 3 जो कि होता है हमारे पास पाई बाय 3, ये इस क्वेश्चन का हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक ही तरीके से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो पहले मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूं। फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर एक से छोटा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई के। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अगले जो तीनों क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8 बाय 31 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8 बाय 31, ये दिया गया है। तो ये x मान लेते हैं, ये y, तो tan इनवर्स x प्लस y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, ये हो जाएगा। यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 8 बाय 31। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स अगर दोनों तरफ tan इनवर्स इक्वल है तो ये चीज भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, यानी कि x प्लस x 2x बाय 1 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं माइनस 1 इक्वल टू यहां से 8 बाय 31, तो 2 ये आ जाएगा 4, तो यहां से हमें मिल जाएगा x बाय ये 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और यहां से इक्वल हो जाएगा 4 बाय 31। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा 31 x इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 4 यानी कि 8 माइनस 4 x स्क्वायर, 4x square को इस साइड ले आएंगे, 4x square यहां से हो जाएगा प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जिसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इधर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 4x square प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास 32x और माइनस एक्स माइनस 8, यहां से हो जाएगा 4x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 4x माइनस 1, एक बन गया x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई x की 1 बाय 4 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 8। हमें x की दो वैल्यू मिली हैं, 1 बाय 4 और माइनस 8। अगर मैं माइनस 8 वैल्यू को कंसिडर करूं और यहां पे रखूं तो ये पूरी चीज नेगेटिव आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हमारी राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है, तो हम इस x की वैल्यू को नहीं लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास फाइनली हमें जो मिल जाएगी वो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन भी यही सेम चीज अप्लाई करके यूज होगा, यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या, 2 tan inverse 1 by 2 प्लस tan inverse 1 by 7 इक्वल टू tan inverse 31 by 7। इस चीज को हमें इस चीज के इक्वल प्रूफ करना है, ये जो चीज दी गई है हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि इसके इक्वल आ रही है। तो हम सॉल्विंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल। यही चीज इसमें अगर लगाएं, ये 2 tan इनवर्स 1 बाय 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू x यानी 1 बाय 2 बाय 1 माइनस, यहां से कितना लिख सकते हैं 1 बाय 4 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स
फोर ऊपर चल जाएगा और यहां रह जाएगा थ्री और ये आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाय सेवन। अब फिर लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसमें लगाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स यानी फोर बाय थ्री प्लस वाई यानी वन बाय सेवन माइनस ये आ जाएगा फोर बाय थ्री, ये आ जाएगा वन बाय सेवन। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहां से 21 एलसीएम आएगा तो यहां इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, यहां से 21 एलसीएम आया, 21 एलसीएम लिया, 728 आ गया यहां से, प्लस ये आ जाएगा 3, फिर यहां से आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस, यहां से आ जाएगा 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल, तो टेन इनवर्स यहां से आ जाएगा 31 और यहां से आ जाएगा 17। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके इक्वल आएगी, तो हमने देखा इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 31 बाय 17 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसको हम सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करके। तो हमें दिया गया है प्रूफ दैट टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें टेन इनवर्स हमें दिया हुआ है 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको कि हम राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाएंगे, इसमें भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स यानी कि 1/5 प्लस वाई यानी 1/7 बाय 1 माइनस एक्स 1/5 इंटू 1/y प्लस इसमें भी लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स यानी 1/3 प्लस 1/8 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 35 हमारे पास एलसीएम, यहां से आ जाएगा 7, यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 35, यहां से आ जाएगा 35 माइनस 1 प्लस यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स, यहां से आ जाएगा 24 एलसीएम, यहां से आ जाएगा 8 प्लस 3 और यहां से आ जाएगा 24 एलसीएम और यहां से आ जाएगा 24 माइनस 1, 24 से 24 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, तो मिला यहां से क्या टेन इनवर्स, यहां से हो जाएगा 12, 34 यहां से क्या मिला टेन इनवर्स 11/23, ये कैंसिल होके 6 और यहां से आ जाएगा 17। तो टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23 आ गया हमारा यहां तक। अब हम इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसमें हम लगाएंगे, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं जो हमारे पास मिला हुआ है, जो हम यहां से बचा हुआ है, यहां से इसको लिखते हैं टेन इनवर्स, यहां पे कितना बचा हुआ है 6/17 प्लस टेन इनवर्स, यहां से कितना बचा हुआ है 11/23, तो फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी 6/17 इंटू 11/23। अब हम इस फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा यहां से टेन इनवर्स, यहां से आ जाएगा एलसीएम 17 इंटू 23 और यहां से कितना आएगा फिर 17 से 17 यानी कि 138 प्लस 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा 11 इंटू 17 यानी कि यह आ जाएगा 187 यह आ जाएगा 187, फिर यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा 23 इंटू 17 बाय यहां आ जाएगा 23 इंटू 17 अगर हम करें तो यह आ जाएगा
59 यानी 3391 माइनस यह जाएगा 66, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें अगर हम 138 प्लस 187 5 यह आ जाएगा 12 325, ये ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 325 डिवाइडेड बाय यहां से आ जाएगा 325, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो मिला हमें यहां से मिला हमें tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है पाई बाय 4 के इक्वल, जो कि हमें प्रूफ करना था, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल प्रूफ है, तो इसको लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो यही था इस वीडियो में, इसके अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।